पिछले साल मैंने क्लास 12 इंग्लिश के रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के पहले लेसन से लेकर के पूरे 11 चैप्टर का लेसन के नाम के साथ साथ राइटर के नाम को याद कराने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक स्टोरी क्रिएट किया था, जिस स्टोरी को पढ़कर विद्यार्थी बहुत खुश हुए थे और हमको कमेंट में ढेर सारा थैंक यू लिखे हुए थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, अगर वो आसान लगे तो वहीं समझ करके आप जाइए तो पूरे चैप्टर के साथ साथ राइटर का नाम याद हो जाएगा, अन्यथा आज के इस वीडियो में हम पूरे क्लास 12 इंग्लिश के जो प्रो सेक्शन लेसन 1 से लेकर के लेसन 11 तक लेसन का नाम के साथ साथ राइटर का नाम है वो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि ज्ञापन एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर, अगर उस वीडियो को देखना है ना तो ज्ञापन एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाइए और स्क्रॉल करके देखिए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 12 इंग्लिश के नाम से, और वहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में प्रोज और पोएट्री दोनों का एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से ट्रिक से हम बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे चैप्टर के नाम के साथ साथ राइटर का नाम याद करवाएं। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, अगर नहीं तो फाइनली हम सभी ज्ञापन एकेडमी के टीम सालों साल कुछ नया ट्रिक लेकर के आते हैं और फाइनली आज भी पिछले साल की भांति, ठीक है ना, इस साल भी कुछ अलग अंदाज में कुछ अलग तरीके से मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश, ठीक है ना, रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 से प्रोज सेक्शन का पहला लेसन से लेकर 11th लेसन के पूरे लेसन के नाम के साथ साथ राइटर का नाम याद करवा देने वाले हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण यह है, मैं क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि आपसे पूरा का पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर कहीं हाथ से निकल ना जाए, इससे पहले कि आपको सावधानी यही रखना है कि ज्ञापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जो ये वीडियो अपलोड हुआ है आप पूरा का पूरा वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। पिछला वाला वीडियो थोड़ा शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से जो लॉजिक और ट्रिक के माध्यम से समझाए थे वो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन इस बार हम कुछ नया अपडेट लेकर के आए, बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर के आए हैं जो प्रत्येक चैप्टर के राइटर के साथ साथ चैप्टर के नाम को एक लॉजिक से जोड़े हुए हैं जो आपके दिमाग में पूरा का पूरा फिट हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं पूरे एनर्जी के साथ। यहाँ पर देखिएगा, ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक, ये झूठे हम ट्रिक नहीं लिखे, वाकई में ट्रिक है। टू रिमेंबर चैप्टर्स नेम, यानी पूरे चैप्टर का नाम याद हो जाएगा किसके साथ, उसके राइटर के साथ। और पता है ये मैं क्यों याद करा रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का, आप समझ सकते हैं कि कोई एक नंबर से भी फेल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरे 5 नंबर का सवाल है, और 5 नंबर तो यूँ चुटकियों में आपको एकदम जो है ना आसानी से जो है ना दिमाग में बैठ जाने वाला है। देखिए कैसे, सुनिएगा, पहले चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। आपको बस एक लाइन याद करना है, महात्मा गांधी वॉज एन इंडियन, महात्मा गांधी भारत के रहने वाले हैं, यानी भारत के रहने वाले थे, इसलिए हम कहेंगे महात्मा गांधी वाज एन इंडियन। एक बात तो दिमाग में पूरा बैठा लेना है, क्या चीज, महात्मा गांधी भारत के रहने वाले थे, इंडियन थे, महात्मा गांधी क्या थे भाई, इंडियन थे, भारतीय थे, इसलिए महात्मा गांधी वाज एन इंडियन। तो इससे क्या पता चल रहा है, ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन से डायरेक्ट पता चलेगा, महात्मा गांधी वाज एन इंडियन, दिमाग में बैठा ले, महात्मा गांधी वाज एन इंडियन, महात्मा गांधी वाज एन इंडियन। जैसे ही ये बात आप कहेंगे ना, पूरे के पूरे दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं महात्मा गांधी। ठीक है, अब आइए सेकेंड नंबर में क्या लॉजिक है भाई, सुनिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन मेड ए होम, ए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक घर बनवाया, ए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या घर बनवाया, किस में, भारत के अंदर ही ना बनवाए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक घर बनवाया, तो भारत इज माई होम, है भारत इज माई होम के जो राइटर है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी भारत में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया, एक घर बनवाया, क्यों, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास घर नहीं था, मान करके चलिए कि भारत में अगर घर बनवाया तो भारत में घर किसने बनवाया भाई, हाँ किसने बनवाया बताइए, इस मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन बनवाया, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों बनवाया, क्योंकि उनके पास घर नहीं थी, तो एक बात दिमाग में बैठा कर चल रही है, भारत में घर किसने बनवाया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बनवाया अपने लिए, ठीक है ना, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मेड ए होम, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना एक घर बनाया, तो भारत इज माई होम के राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब आइए तीसरे नंबर पर, एकदम ध्यान दीजिएगा, मालगोमकर, ए मालगोमकर, बिहारी में माल बोला जाता है, माल समझते हैं ना, जैसे कि थोड़ा सा मतलब
कुछ माल उल रखे हैं, मतलब माल उल, तो अक्सर जो खैनी खाने वाले होते हैं ना, तो वो पूछते हैं क्या कि है कुछ, मतलब ऐसा ही कुछ माल उल, ठीक है ना। तो ये जो माल शब्द है ना, ये माल से मालगोंकर राइटर का नाम याद हो जाएगा। और एक चुटकी खैनी को हम लोग कैसे मांगते हैं भाई, एक चुटकी खैनी को, एक चुटकी सुंगनी को कैसे मांगते हैं, माल उल कुछ है दीजिए ना थोड़ा सा यार, मतलब चुनौती छूट गया है ना, ऐसे कुछ पूछा जाता है। तो माल और माल कौन मांगता है भाई, खैनी खाने वाला। तो ए पिंच ऑफ स्नॉप के राइटर कौन है, मालगोंकर, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई। अब आइए चार नंबर में देखिएगा, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग हैज ए ड्रीम, ए आई हैव ए ड्रीम के लेखक, ए मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग का एक सपना था, है मार्टिन लूथर किंग हैज ए ड्रीम, यानी मार्टिन लूथर किंग को एक सपना है भाई, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाब है। अब ख्वाब कुछ भी हो सकता है यार, तो मार्टिन लूथर किंग का एक सपना है तो भाई ड्रीम, ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम नामक जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग। ये बातें समझ में आ रही है। अब आइए आगे देखते हैं पांच नंबर में, रसेल हैव द मेन काइंड, है रसेल, जो रसेल था ना वो मानवता को, है मानवता को मदद किया, रसेल यानी बर्तरेंड रसेल, रसेल देखिए, रसेल को मेन काइंड से जोड़ दीजिए, रसेल को मेन काइंड से, रसेल के अंदर, ठीक है ना, मतलब मदद करने की क्षमता थी भाई, इसलिए उन्होंने क्या किया, मानवता को मदद किया, यानी मानवता को बढ़ावा दिया। तो रसेल हेल्प द मेन काइंड, रसेल से, ठीक है ना, देखिएगा रसेल से आपको मेन काइंड याद आ जाना चाहिए। इसलिए आइडियाज डेट हेल्प द मेन काइंड के राइटर कौन है, रसेल है। कौन है भाई, रसेल है। अब आइए छः नंबर की बात करते हैं, शीगा नोया, शीगा नोया वाज एन आर्टिस्ट, है सीगा नो एक कलाकार था, हाँ बिल्कुल था भाई। याद करने के लिए पांच नंबर लेना है ना तो कुछ भी हम लोग लॉजिक और ट्रिक लगा सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सीगा नो या क्या था, राइटर था, सॉरी आर्टिस्ट था, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट था ना, तो द आर्टिस्ट नामक चैप्टर कौन लिखा था, सीगा नो या लिखा था, यानी सीगा नो या क्या था भाई, आर्टिस्ट। तो एक बात तो क्लियर हो गई, देखिएगा ध्यान से कि इंडियन, जैसे ही बात आए कि हु वाज इंडियन, तो महात्मा गांधी वाज इंडियन, देख रहे हैं ना, है भारतीय कौन था, जाहिर सी बात है कि पांच नंबर लेना है तो हम लोग तो दिमाग लगाएंगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे यार, क्या पूछेंगे, पूछेंगे यार भारतीय कौन था। क्लास 12 इंग्लिश के रेनबो पार्ट टू में हम लोग जब प्रो सेक्शन पढ़ रहे थे उसमें भारतीय कौन था, यार महात्मा गांधी थे, जाहिर सी बात। घर किसने बनवाया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल याद हो गया, घर किसने बनवाया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसलिए भारतीय में होम के राइटर कौन है भाई, कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बात करते हैं क्या कि अरे यार एक चुटकी खैनी किसने मांगा, माल किसने मांगा, एक चुटकी खैनी यानी माल कहकर किसने मांगा, ए माल है दो ना, आए एक चुटकी खैनी किसने मांगा, मालगोंकर, मालगोंकर, देख रहा ना। अच्छा मार्टिन लूथर किंग के पास एक ख्वाहिश थी, ए किसके पास ख्वाहिश थी भाई, ख्वाहिश किसके पास थी, ख्वाब किसका था, है मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना। अच्छा रसेल ने हेल्प किया था किस चीज़ को, मानवता को ना, अरे यार मेन काइंड को रसेल ने हेल्प किया था, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा। अच्छा सीगा नोया, ओ वो तो एक आर्टिस्ट था ना, हाँ चलो भाई आर्टिस्ट, तो द आर्टिस्ट नामक चैप्टर सीगा नोया लिखा था। अब आइए जर्मेन ग्रीर एक फीमेल राइटर हैं जिनका, ठीक है ना, तो क्या है, अगर हम थोड़ा देर के लिए समझने के लिए कह सकते हैं यार वो जर्मेन ग्रीर एक क्या थी, बच्ची थी, हाँ बच्ची थी, हाँ चलो भाई, तो जर्मेन ग्रीर वाज चाइल्ड, वो बच्ची थी, अरे यार वो राइटर थी बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए एक लॉजिक लगा दो। जर्मेन ग्रीर ही इस चैप्टर के अंदर क्या थी, मान के चलो थोड़ा देर के लिए कि वो बच्ची थी। अरे क्लास 12 इंग्लिश के रेनबो पार्ट टू में हम लोग जब प्रो सेक्शन पढ़ते हैं तो एक जर्मेन ग्रीर नामक एक ऐसी फेमिनिस्ट राइटर हैं जो कहीं ना कहीं से वो एक बच्ची थी, अरे यार बच्ची थी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये चाइल्ड इज बर्न के लेखक कौन है, जर्मेन ग्रीर, ठीक है ना, ये चाइल्ड इज बर्न के लेखक कौन है, जर्मेन ग्रीर। अब आइए ड्रोथी एल सैयर्स आस्क हाउ फ्री इज द प्रेस, अरे ड्रोथी एल सैयर ये भी एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, ड्रोथी एल सैयर पूछती हैं कि प्रेस कैसे, कितना स्वतंत्र है, ठीक है ना, हाउ फ्री, कितना स्वतंत्र है प्रेस, है प्रेस के बारे में किसने सवाल उठाया, ड्रोथी एल सैयर, प्रेस के बारे में किसने सवाल उठाया, ड्रोथी एल सैयर, ठीक है ना। बच्ची कौन थी, जर्मेन ग्रीर, बच्ची कौन थी, जर्मेन ग्रीर। बस इस चीज़ को आप बार बार जो है ना, पता है देखिए आप हमारा वीडियो अगर आपको देखना है ना तो देखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट जो है ना चला करके अपने जो है ना कान के बगल में रख करके इस तरह लेट जाइए और ध्यान से सुनिए, सोना नहीं है, ध्यान से जो है ना टकटकी लगा करके सुनना है, पूरा का पूरा मेरा आवाज़ आपके कानों में जब जाएगी ना तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बच्ची कौन थी भाई, बच्ची कौन थी, तो जर्मेन ग्रीर, कौन थी बच्ची, जर्मेन ग्रीर। अच्छा एक बात बताओ, प्रेस के बारे में किसने कहा था, प्रेस के बारे में ड्रोथी एल सैयर्स ने कही थी। अब आइए नौ नंबर, एची बेट्स लिव ऑन अर्थ, है इस
धरती पर कौन रहता था? तो भाई एचीबेट्स, हाँ एचीबेट्स लिव्स ऑन अर्थ। तो देखो एचीबेट्स क्या था, मतलब इस अर्थ इस पृथ्वी पर आता था। अच्छा दस नंबर की बात करते हैं, पर्ल एसबक, ये भी एक फेमिनिस्ट राइटर है, ठीक है ना। पर्ल एसबक गोज थ्रू इंडिया ट्रेवल्स, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ये नाम इंडिया ट्रेवल से आपको क्या याद आ जाएगा, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ गया, सुनिएगा ध्यान से, द अर्थ नामक चैप्टर एचीबेट्स लिखा, ठीक है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर ड्रोथियल सैयर, ए चाइल्ड इज बर्न, जर्मेन ग्रे। अब यहाँ पर आइए, पर्ल एसबक गोज थ्रू इंडिया ट्रेवल्स है, ये जो पर्ल एसबक थी ना वो इंडिया से इंडिया ट्रेवल्स के माध्यम से वो गई थी। तो मान करके चलो इंडिया ट्रेवल्स से आपको क्या याद आएगा, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज के राइटर कौन है, पर्ल एसबक। कौन है भाई, पर्ल एसबक। तो पर्ल एसबक से मालूम चलेगा या पर्ल एसबक जो थी ना वो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज के क्या थी, राइटर थी। तो क्यों, क्योंकि वो इंडिया ट्रेवल से वो अपना गई थी, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं, एंटोन चिको राइट्स ए मैरिज प्रपोजल, ये डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ। क्यों, क्योंकि एंटोन चिको लिखते हैं एक मैरिज प्रपोजल, ठीक है ना, एक जो है ना शादी का प्रस्ताव लिखते हैं। शादी का प्रस्ताव कौन लिखता है भाई, एंटोन चिको। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एंटोन चिको ही शादी का प्रस्ताव लिखते हैं, एंटोन चिको राइट्स ए मैरिज प्रपोजल। बहुत ही आसान है, देखिए अगर आपको ये कठिन लग रहा है ना तो जस्ट इसके पिछले साल मैंने क्लास 12 इंग्लिश के पूरा सीरीज ख़त्म करने के बाद, जिस तरीके से मैं आपके बीच ये पूरे क्लास 12 इंग्लिश के प्रॉस सेक्शन ख़त्म करने के बाद जो राइटर का नाम लेकर के आए हैं ना, जो लॉजिक और ट्रिक के साथ, इसी तरीके से पिछले साल भी मैंने किया था, वो एक स्टोरी के माध्यम से समझाए थे। अगर वो आपको आसान लगे तो वो देख सकते हैं, या फिर ये आसान लगे तो इसी वीडियो को बार बार चला करके याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर के नाम के साथ राइटर का नाम याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो 2-4 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा गारंटी के साथ करें कि आपको यह आसान लगने लगेगा। जिस तरीके से गाना नया आता है और हमें याद नहीं हो पाता ना, 2-4 बार सुनने के बाद पूरे दिमाग में बैठ जाती है ना हर शब्द और हर एक जो है ना उसका रिदम दिमाग में बैठ जाता है, इन द सेम वे ये पूरा का पूरा चैप्टर के नाम के साथ राइटर का नाम पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। कब, जब 2-4 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तब। तो कुल मिला जुला करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद हम पोएट्री का पूरा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चैप्टर के नाम के साथ, मतलब जो है ना क्लास 12 इंग्लिश जो है ना सेशन 2024-25 के नाम से जो है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर ये भी वीडियो रहेगा और इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो भी जो पोएट्री के राइटर के नाम के साथ साथ लेसन के नाम का जो ट्रिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इसी में रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।